दिए चले और राजा पहलो तोड़ो ग्रास पहला कर तोड़ा धरती मां को भोग लगा दिया और राजा दूसरे दूसरा कर तोड़ा दुर्गे माँ को भोग लगा दिया, तीसरा कर राजा जेवर सिंह ने तोड़ा ईश्वर को भोग लगा दिया, चौथा कर राजा जेवर सिंह ने तोड़ा चंदा सूरज को भोग लगा दिया और जो राजा जेवर सिंह ने पांचवा कर तोड़ा और अपने मुखारविंद की तरफ लेकर गए और तैसे ही राजा जेवर सिंह को एक पुत्र की याद आ जाती है और जब राजा जेवर सिंह को एक पुत्र की याद आई तो राजा जेवर सिंह भोजन करते समय रोने लगे। जैसे ही अपने पिया को रोक गई देखो माता वाचल दौड़कर आ जाती है, कहने लगी पिया अरे कौन सी बात हो गई है जो तुम मेरे भोजन करते समय रो रहे हो। महाराज क्या हो गया,
कौन सी बात हो गई है जो तुम रो रहे हो महाराज? राजा जेवर सिंह रो रहे हैं, माता बात चलकने लगी पिया। कहने लगी है महाराज, क्या कोई मेरे भोजन खराब है या कोई वन में शिकार गई है, क्यों रो रहे हो? राजा जेवर सिंह कहने लगे, रानी महाराज रोने का एक ही कारण है। क्या? कि मेरी शादी को 12 साल हो गई। हाँ। पर रानी महाराज मैंने आज दिन तक इस महल में कोई बेटी बेटे का जन्म नहीं दिया है। आज मेरे भी कोई बेटी बेटा होता तो मेरे साथ में भोजन करता, कुछ खाता, कुछ बगराता रानी, तो आज हमें इस आंगन में कितना अच्छा लगता। महाराज माता वाचल ने जो कहा तो माता वाचल रोकर कहने लगी, पिया एक बाप होने के कारण दुख तुम्हें है तो एक माँ होने के कारण दुख मुझे भी है, पर क्या करें महाराज, क्या करें। मेरी कोख में पत्थरा पड़ी गए बाबले, ऐसा न कहो रानी, क्या करें महाराज। मेरी कोख में पत्थरा पड़ी गए बाबले, कहने लगी, पिया रानी ये तो दुख मुझे भी है जो मैंने अपनी कोख से कोई बेटी बेटे का जन्म नहीं दिया। अगर पिया मैंने अपनी कोख से कोई बेटी बेटे का जन्म नहीं दिया है तो आप एक काम कर लो महाराज। क्या? सुनो, बलवा करियो दूसरो पिया, बलमा करियो दूसरो ब्याह। रानी आवे की महल में और बता होवे महल में बलमा। पिया रानी।